सुन रहे हैं वो सब सही है। 5 बरस का पुत्र धरो भजन करने के लिए वन में निकल गया। मंत्री, मैं अपने बेटे को जंगल में नहीं जाने दूंगा, इसलिए तुम मेरा एक काम कर दो, भाग करके मेरे बेटे के पास चले जाओ और उससे एक बात कहना कि आज से उसको और उसकी माँ को महलों में रखा जाएगा, लेकिन वो भजन करने के लिए नहीं जाए। ठीक है महाराज, जा रहे हैं। उसी समय में मंत्री भागा और ध्रुव के पास पहुंचा के लगा, ध्रुव कहिए मंत्री वर, कहाँ जा रहे हो? हम तो जंगल में जा रहे हैं भजन करवे काजे। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा है और कहा है कि जंगल में भजन करने के लिए न जाएं, हम तुम्हें और तुम्हारी माँ को महलों में रखेंगे। बारे भगवान, अबे तुम एक उडगना निकल पाए ताते पहले महलन में रखे उठे, लेकिन जाओ मंत्री, तुम कह देना हमारे पिता से कि हम भजन करने जरूर जाएंगे। अच्छा, लेकिन धर्म ने नहीं मानी। महाराज ने फिर मंत्री भेजा, जाओ जाकर के ये कह देना कि आधा राज्य तुम्हारा और आधा राज्य तुम। जैसे ही इतनी बात कही मंत्री ने जाकर के, ध्रुव कहने लगे, बारे प्रभु तुम्हारा नाम लेते लेते हम दो खेत बाहर निकले और आधा राज्य मिल गया, न जाने जब तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। उसी समय जब ध्रुव ने फिर वो बात नहीं मानी, आज महाराज उत्तानपाद ने पुणे मंत्री को भेजा और कहा, मंत्री जाकर के ये कहना मेरे बेटे से कि आज से पूरा राज्य तुम्हारा, लेकिन भजन करने के लिए नहीं। जब ये बात ध्रुव को जाकर के मंत्री ने बताई, ध्रुव कहने लगे, अब मुझे समझ में आया
आपके भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। मुझे दर्शन नहीं हुए, अभी राज्य नहीं छोड़ पाया, उनका नाम ही मुझे पता चला है। और सच्चे मन से मैंने नाम क्या लिया, मुझे तो सब कुछ मिल गया। न जाने दर्शन जब हो जाएंगे तो मुझे तो कल्पना भी नहीं है कि क्या क्या मिल सकता है। उसी समय ध्रुव ने कोई बात नहीं मानी और जंगल में पहुंच गए। और जब जंगल में पहुंचे तो ध्रुव को देवऋषि नारद मिले। और जब देवऋषि नारद मिले, कहने लगे, ए बच्चे, कहिए बाबा सच्चे, कहाँ जा रहे हो? अब हम जा रहे हैं जंगल में अपने पिताजी से मिलने, भगवान की आराधना भजन करने। अच्छा, कौन से तुम्हारे पिताजी हैं? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अब हमारे पिताजी का नाम, हमारी माँ ने ये बताया है कि उनके हाथ में चक्र होगा, अच्छा, पैर में पद्म होगा और एक हाथ में गदा होगी। अच्छा, हमारे पिताजी का नाम श्री हरि भगवान विष्णु। अच्छा, तो तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो? और बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम जंगल में भजन करोगे ना तो तुम्हें शेर खा लेंगे, चीते खा लेंगे, बहुत सारे जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए लौट जाओ बाबा।